सोशल मीडिया पर फैलाया जाए चाहे कितना ही प्रोपेगेंडा, 9:26 पर हम डंके की चोट पर कहती सत्यमेव जयते। नमस्कार, मैं विजेंद्र सोलंकी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। झूठ कितना ही छोटा हो या फिर बड़ा हो, सत्य नहीं हो सकता। और सत्यमेव जयते में आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो फोटो जिनको बीते 70 सालों में लाखों वॉल से शेयर किया गया, जिनका इस्तेमाल देश के पहले प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के लिए किया गया, बिना ये सोचे समझे कि उन फोटो की हकीकत क्या है। बस ये दिखाया गया कि पंडित नेहरू किसी फोटो में किसी महिला से गले मिल रहे हैं, किसी में कोई महिला उनको किस कर रही है, किसी के साथ वो सिगरेट पी रहे हैं तो किसी के माथे को वो छूते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में नेहरू जी का महिलाओं के प्रति झुकाव था या फिर ये फोटो गलत तरीके से पेश किए गए। आज हम आपको दिखाएंगे पंडित नेहरू के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैल रहा फोटो। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको कुछ फोटो दिखाते हैं, जरा इन फोटो को देखिएगा। पहले फोटो में नेहरू जी किसी को सिगरेट पिलाते नजर आएंगे और ये फोटो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये फोटो है और उसका नेहरू जी के साथ कनेक्शन क्या कुछ है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। वहीं दूसरी फोटो में नेहरू जी किसी महिला के माथे को छू रहे हैं, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और नेहरू जी क्यों ऐसा कर रहे हैं ये आप जरा इसमें समझ लीजिए फोटो में। और तीसरी फोटो में नेहरू जी किसी महिला को गले लगा रहे हैं और वो भी बेहद नजदीकी से। ये तीन फोटो हम आपको दिखा रहे हैं जो बीते 70 सालों में अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लगातार फैलते हुए नजर आए। कुछ और फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, इन फोटो को भी जरा देख लीजिए क्योंकि ये भी फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रहे हैं। और इन फोटो के अंदर क्या है ये जरा देखिए। हमेशा नेहरू जी की छवि को खराब करने की कोशिश यहां पर की जाती है। इन फोटो को भी जरा देखिए। पहली फोटो देखिए, नेहरू जी को एक महिला से गले लगाया हुआ दिखाया गया और पीछे खड़ा हुआ इंसान किस तरीके से चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दे रहा है, मानो अचानक से ये सब कुछ हुआ हो और किसी को उम्मीद ना हो। वहीं दूसरी फोटो के अंदर एक नौजवान महिला नेहरू जी के गाल पर किस कर रही है और उनके हाथ नेहरू जी के गालों पर है। इस दौरान शायद नेहरू जी का एक हाथ उस हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा है। ये पांच फोटो हमने अभी तक आपको दिखाए जिनके जरिए ये सोशल मीडिया पर फैलाया गया कि दरअसल नेहरू जी की छवि इस तरीके की वो महिलाओं के प्रति आकर्षित होती है। लेकिन इन फोटो पर सोशल मीडिया पर बीते 70 सालों में लाखों प्रतिक्रियाएं, कुछ नेहरू जी के पक्ष में तो ज्यादातर नेहरू जी की छवि को खराब करने के लिए नेहरू जी की छवि के खिलाफ। लेकिन इन फोटो का सच क्या है, नेहरू जी के साथ मौजूद महिलाएं कौन है, ये आपको बताएं। उससे पहले आपको सिर्फ दो रिएक्शन हम पढ़ाते हैं जिनको आप भी अगर गूगल करेंगे तो आराम से ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन इनमें लिखा क्या है ये जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। पहली फोटो को जरा देखिए, पहली फोटो पर क्या कुछ लिखा है आप जरा खुद पढ़ लीजिए और महसूस कीजिए कि क्या वाकई में देश के पहले प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। क्या वाकई में कमेंट करते कर हम अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं। कमाल की बात यह है कि ये सभी फोटो गूगल पर बहुत आसानी से मौजूद है। एक और फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, इस फोटो को भी जरा देखिए और इस पर भी प्रतिक्रिया को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जरा पढ़िए और सोचिए लोग किस तरीके से इतिहास के नेताओं का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं। हम इन प्रतिक्रियाओं को नहीं पढ़ना चाहते इसलिए हम आपको इन्हें दिखा रहे हैं ताकि आप महसूस कर सके कि किस बेशर्मी के साथ ये सब कुछ लिखा गया। लेकिन क्या फोटो का यही सच है, इस सवाल का जवाब हम आपको जरूर देंगे। लेकिन इन कमेंट ने यह तो बता दिया कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है और प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश भी की जाती है और यह सब कुछ आपको बहुत आसानी से गूगल पर मिल जाएगा। लेकिन क्या वाकई में मुमकिन है कि नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, उनका महिलाओं के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा। इसको समझने के लिए आपको हर एक फोटो के पीछे का इतिहास और नेहरू जी के साथ उनके रिश्तों को समझना होगा। और इसको समझाने के लिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इस रिपोर्ट को जरा देखिए और हर एक फोटो को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। जरा देखिए, नेहरू का इन महिलाओं के साथ रिश्ता क्या है, नेहरू के ये फोटो कहां के हैं, किसने खींचे, क्या नेहरू वाकई में महिलाओं के साथ फोटो खिंचवाते थे, क्या नेहरू के फोटो का सच अभी भी अधूरा है।
ऐसे हजारों सवाल हैं जो बीते 70 सालों से देश के सामने आने बाकी हैं, क्योंकि ये फोटो हर साल किसी ना किसी वॉल से शेयर होते हैं और फिर बवाल खड़ा हो जाता है। और कैसे बड़े बड़े नेता भी इन फोटो को अपनी वॉल पर डालते हैं, इसको समझने के लिए बस इतना समझे कि बीते साल बीजेपी आईटी सेल से भी इन फोटो को वायरल किया गया। तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में ये फोटो असली है? क्या इन फोटो को कांग्रेस ने हमेशा छुपाया? इन फोटो का सच कभी बताया क्यों नहीं गया? क्यों इन फोटो पर हकीकत सामने नहीं आती? क्या वाकई में इन फोटो को लेकर सच्चाई को छुपाया जाता है? क्यों इन फोटो का सच आसानी से नहीं मिलता? क्या वाकई में नेहरू की छवि को खराब करने के लिए इन फोटो को वायरल किया जाता है, या फिर उनकी छवि के पीछे के सच को सामने लाया ही नहीं जाता? और क्यों ऐसा होता है कि जैसे ही एक वॉल से फोटो वायरल होते हैं, सोशल मीडिया पर बेहूदी भाषा में सभी सीमाओं को तोड़ते हुए प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाती हैं? टीम सत्यमेव जयते, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो हमने कुछ फोटो आपको दिखाई, लेकिन इन फोटो के बाद सवाल खड़ा होता है कि क्यों इन फोटो का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है? इन फोटो के सच को क्यों नहीं बताया जाता? और अगर वाकई में ये सच है तो फोटो के जरिए दिख रहा, तो फिर क्यों बार बार ऐसे फोटो सामने आने के बाद कोई माफी नहीं मांगता? तो क्या और ज्यादा भड़काऊ प्रतिक्रिया यहां पर देनी जरूरी हो जाती है? आज हम आपको हर एक फोटो के साथ इनका सच दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो पहले पैकेज के अंदर पहली स्टोरी में हमने आपको जो फोटो दिखाए हैं, अब उन एक एक फोटो के साथ जो महिला पंडित नेहरू जी के साथ नजर आ रही है, वो कहां की फोटो है, किस तरीके से उसको खींचा गया, महिला का पंडित नेहरू जी के साथ कनेक्शन क्या है, और क्या वाकई में इस फोटो को गलत तरीके से दिखाया गया, ये रिपोर्ट। सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए। इस फोटो में नेहरू ने काला चश्मा पहना हुआ है, पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है, और उनको जिस महिला ने गले लगाया हुआ है उनके हाथों में एक माला भी दिखाई दे रही है। और इस दौरान जिस तरीके से दोनों गले लगे हुए हैं, उससे ये तो तय है कि दोनों के बीच में बेहद अटूट रिश्ता है। लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको समझने के लिए आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। वीडियो में एक हवाई जहाज आता है, उसमें से तेजी से नेहरू उतरते हैं और फिर वो किसी के गले मिलते हैं। यही वो फोटो है जिसको वायरल किया जा रहा है। इसके बाद नेहरू आगे बढ़ते हैं और बाकी लोगों से मिलते हैं। इस दौरान आपको इंदिरा गांधी भी उनके साथ पीछे खड़ी वीडियो में दिखाई दे रही है। फिर कुछ फोटो खिंचवाते हैं और सब आगे बढ़ जाते हैं। इस दौरान भी गले लगने वाली महिला नेहरू जी के साथ होती है और उनके साथ बात कर रही होती है। इसके बाद वो गाड़ी में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। वायरल हो रही फोटो को इस वीडियो से ही निकाला गया है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जिस फोटो को नेहरू की छवि को खराब करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो उनकी बहन है। जी हाँ, वो उनकी बहन है। नेहरू के गले लगी महिला उनकी बहन है। गले लगने वाली महिला का नाम विजय लक्ष्मी पंडित है। ये फोटो 1949 में अमेरिका यात्रा के दौरान की है। विजय लक्ष्मी नेहरू को रिसीव करने पहुंची थी। विजय लक्ष्मी अमेरिका में भारतीय राजदूत थी। वो अपने भाई नेहरू से मिलकर खुद को रोक नहीं पाई। नेहरू ने भी अपनी बहन को गले लगाया। यानी इस फोटो के अंदर एक महिला एक पुरुष से नहीं, बल्कि एक भाई अपनी बहन से गले मिल रहा है। टीम सत्यमेव जयते, फर्स्ट इंडिया न्यूज। अब जरा सोचिए और खुद से पूछिए, इस फोटो में क्या गलत है? क्या भाई और बहन एक दूसरे से गले नहीं लगते? क्या वो एक दूसरे के साथ मुस्कुराते नहीं? क्या वो एक दूसरे से बात नहीं करते? इस फोटो में सत्यमेव जयते की टीम को कुछ भी बुरा और गलत दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब आपको एक और फोटो दिखाते हैं। इस फोटो को भी जरा देखिए, ये भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और कई ऐसी वॉल से इसको वायरल किया गया है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज की है। इस दौरान क्या कुछ लिखा गया और फिर क्या कुछ रिएक्ट करने के दौरान महिला के साथ कनेक्शन बताया गया और हकीकत क्या है, ये हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। जरा अब जरा इस फोटो को भी देखिए। इस फोटो में पंडित नेहरू के गालों पर एक महिला किस कर रही है। महिला का एक हाथ नेहरू के गालों पर है और एक हाथ से नेहरू शायद उस हाथ को हटाने की कोशिश कर रही हैं। इस दौरान एक अन्य महिला भी वहीं पर खड़ी है और एक अन्य पुरुष भी। तो क्या नेहरू इतने खुले मिजाज के थे कि पब्लिक जगह पर वो ऐसा कर सकते थे? और क्या वाकई में कोई महिला लोगों के बीच ऐसा कर सकती है? तो फिर कुछ सवाल थे।
पंडित नेहरू के गालों पर किस करने वाली महिला कौन है? पंडित नेहरू के साथ इस महिला का रिश्ता क्या है? क्यों वो खुलेआम पंडित नेहरू के गालों पर किस कर रही है? क्या वो महिला अचानक आई थी और नेहरू समझ नहीं पाए? इन सवालों के जवाब के लिए भी आपको उसी वीडियो को एक बार फिर देखना होगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब भी उसी वीडियो में है। क्योंकि जैसे ही नेहरू उतरते हैं, बहन विजय लक्ष्मी से मिलते हैं, तभी अचानक से एक महिला तेजी से आती है और अचानक से पंडित नेहरू को गले लगाते हुए उनके गालों पर किस करती है। इसके बाद भी वो वीडियो में दिखाई देती है, यानी ये तो तय है कि पंडित नेहरू उस महिला को जानते थे। लेकिन सवाल था कि ये कौन है, और इसका जवाब भी हम आपको दे रहे हैं। इस फोटो में नेहरू के साथ उनकी भांजी है, महिला का नाम नयनतारा सहगल है। ये फोटो 1955 का है, लंदन एयरपोर्ट का है। इस फोटो में सहगल की माँ विजय लक्ष्मी भी दिखाई दे रही है। इस दौरान विजय लक्ष्मी यूके में हाई कमिश्नर थी। अब जरा सोचिए और खुद से पूछिए कि इस फोटो में क्या गलत है। क्या मामा भांजी ऐसे नहीं मिल सकते? जिनके गोद में बच्चे पले और बड़े होते हैं, क्या उनको गले नहीं लगा सकते? क्या लंबे वक्त के बाद अपनों से मिलने पर खुशी जाहिर नहीं की जा सकती? यकीनन कर सकते हैं, और यही यहाँ पर हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो राजनीति के चक्कर में रिश्तों को तार तार करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे फोटो पर बिना हकीकत पता किए गलत और भद्दे प्रतिक्रियाएं देने पर। टीम सत्यमेव जयते, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो एक और रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, इसमें दरअसल पंडित नेहरू अपनी भांजी से मिल रहे थे और इसको किस तरीके से, गलत तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, इसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेशर्मी के साथ कमेंट किए जाते हैं। लेकिन सत्यमेव जयते में आज हमने बीड़ा उठाया उन फोटो के सच को सामने लाने का, जिनके दम पर पंडित नेहरू की छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इनमें से दो फोटो हम आपको अभी तक दिखा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है जिनके दम पर पंडित की छवि पर कालिक पोतने की कोशिश की गई है। वो फोटो जिनमें वो महिला की सिगरेट जला रहे हैं, खुद सिगरेट पी रहे हैं, किसी महिला के माथे को छू रहे हैं तो किसी को गले लगा रहे हैं। अब इनकी हकीकत क्या है, ये भी हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जलो के बाद आपका स्वागत है। अब आपको नेहरू जी का वो फोटो दिखाते हैं जिसमें उनके चेहरे पर मुस्कान है और किसी महिला के माथे को छू रहे हैं। एक और फोटो हम आपको दिखाएंगे जिसमें नेहरू जी महिला की तरफ देख रहे हैं, उनको गले लगाते हुए। महिला की शर्माती हुई फोटो भी यहां पर दिखाई दे रही है जिसमें वो हंस रही है। इनको लेकर भी सोशल मीडिया पर कई भद्दे कमेंट हुए। लेकिन इस फोटो और नेहरू जी का इन महिलाओं के साथ रिश्ता क्या है, यह भी आज आपको जानना चाहिए। इस रिपोर्ट को देखना चाहिए, जरा देखिए। अब इस फोटो को देखिए, इस फोटो में महिला ने विदेशी कपड़े पहने हुए हैं। इससे ये तो साफ है कि महिला हिंदुस्तानी नहीं, और उनके साथ नेहरू जी खड़े हैं। ऐसे में तय ये करना था कि ये फोटो भारत का है या फिर किसी दूसरे देश का। और इस दौरान नेहरू जी का सीधा हाथ महिला के माथे को छू रहा है और दूसरा हाथ महिला के सिर के पीछे की तरफ है। नेहरू जी की फोटो कहाँ की है? नेहरू जी के साथ खड़ी महिला कौन है? नेहरू जी क्यों महिला के माथे को छू रहे हैं? क्यों दोनों के चेहरों पर मुस्कान है? क्या दोनों ही एक दूसरे को पहले से जानते थे? इन सवालों का जवाब भी हम आपको देते हैं। दरअसल ये फोटो हिंदुस्तान का है, और जिनके माथे को नेहरू जी छू रहे हैं वो देश के मेहमान हैं। फोटो साल 1962 का है। जैक्यूलाइन कैनेडी भारत के दौरे पर आई थी। जैक्यूलाइन कैनेडी अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी थी। भारत आने पर नेहरू जी उनको तिलक लगाकर स्वागत कर रहे थे। अब जरा बताइए इस फोटो में भी क्या गलत था? क्या अतिथि देवो भव देश की संस्कृति नहीं? क्या जब कोई मेहमान घर आता है तो उसको तिलक लगा उसका स्वागत नहीं किया जाता? तो फिर क्यों इस फोटो को भी गलत तरीके से देखा जा रहा है? छोटी सोच वाले लोगों को इस फोटो पर भी भद्दे कमेंट करने पर शर्म आनी चाहिए। अब आपको हम वो फोटो दिखाने वाले हैं जिनको शायद नेहरू जी की छवि खराब करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया, और वो फोटो ये है। इस फोटो में नेहरू जी ने एक महिला को गले लगाया हुआ है। नेहरू जी की इस नजदीकी की वजह क्या थी? नेहरू जी जिसको गले लगा रहे ये कौन है? ये फोटो कहां का है और क्यों खींचा गया? नेहरू जी का इस महिला के साथ क्या रिश्ता है? इस फोटो को लेकर नेहरू जी को सबसे ज्यादा बदनाम किया गया, लेकिन आज हम इस फोटो का सच भी आपको बताने वाले हैं। ये फोटो 1948 में दिल्ली में खींचा गया।
इस फोटो में नेहरू जी के साथ मृणालिनी साराभाई है। मृणालिनी साराभाई एक कथकली नृत्यांगना थी। एक प्रोग्राम के दौरान नेहरू जी के साथ का ये फोटो है। लेकिन सवाल ये भी था कि क्या नेहरू जी हर किसी को ऐसे ही गले लगाते थे? क्या नेहरू जी का महिलाओं से मिलने का यही तरीका था? इन सवालों के जवाब के लिए आपको मृणालिनी और नेहरू जी के रिश्तों को समझना होगा। मृणालिनी अम्मू स्वामीनाथन की बेटी थी। अम्मू एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थी। अम्मू नेहरू जी को बहुत अच्छे से जानती थी। अम्मू के पति विक्रम साराभाई थे जो नेहरू जी के नजदीक थे। मृणालिनी विक्रम साराभाई की बेटी थी। मृणालिनी का हौसला बढ़ाने के लिए नेहरू जी यहाँ पर पहुंचे थे। बाकायदा इस फोटो के बारे में मृणालिनी ने भी जवाब दिया था और बताया था कि उस दौर में कथकली को लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते थे और उनके निवेदन पर ही नेहरू जी वहाँ पर पहुंचे थे। और क्या विक्रम साराभाई के दोस्त के नाते नेहरू जी मृणालिनी के चाचा नहीं लगे? वैसे तो देश में भी चाचा नेहरू के नाम से ही उन्हें जाना जाता है। ऐसे में इस फोटो में भी आपको क्या गलत लग रहा है, ये समझ से परे है। टीम सत्यमेव जयते, फर्स्ट इंडिया न्यूज। हमने आपको पंडित नेहरू जी के हर वो फोटो दिखाए जिसको लेकर उनकी छवि पर सवाल खड़े हो रहे थे और बाकायदा उन फोटो के अंदर जो महिलाएं मौजूद हैं उनके साथ उनका रिश्ता क्या था, ये भी हमने आपको दिखाया। लेकिन अब हम आपको पंडित नेहरू की कुछ और फोटो दिखाते हैं। ये फोटो भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन क्या सच है इन फोटो का, जरा इनको भी एक एक कर खंगालने की कोशिश करते हैं। नेहरू जी की पहली फोटो हम दिखा रहे हैं। इस फोटो के अंदर वो कुर्सी पर बैठे और सफेद रंग के लिबास में नजर आ रहे हैं। हाथों में उनके सिगरेट और बाकायदा वो एक महिला को भी सिगरेट ऑफर यहां पर कर रहे हैं। इस दौरान ये तो जाहिर है कि दोनों ही सिगरेट पीने के शौकीन हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में इसको लेकर भी कोई सवाल खड़ा होना चाहिए? इस दौरान आज के दौर को जरा याद कीजिए, क्या हमें अपने अलग अलग जगहों पर महिलाएं सिगरेट पीती नजर नहीं आती? और अगर उसका महिला दोस्त अगर उसको सिगरेट पिलाने के लिए ऑफर करता है तो क्या उस सिगरेट को सुलगाता नहीं है? एक और फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। अगले फोटो को भी जरा देख लीजिए। इस फोटो को जरा देखिए। इस फोटो के अंदर बाकायदा एक लड़की आपको नजर आ रही है जो कि नेहरू जी के साथ खड़ी हुई है। अब ये फोटो कब का है ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये जो लड़की है ये 18 साल की है, माउंटबेटन की बेटी पामेला है ये, जो दरअसल ब्रिटेन वापस दिल्ली से जाने वाली थी और इस दौरान नेहरू जी से वो मिली और मिलने के दौरान उन्होंने यहां पर गुड बाय कहने के लिए नेहरू जी के साथ ये फोटो खिंचाया था और इस दौरान ये मुस्कान आपको दिखाई दे रही है। एक और फोटो हम आपको दिखाते हैं। इस फोटो को भी जरा देखिए। ये फोटो ओरिजिनल है। अभी तक जो फोटो हमने आपको दिखाए वो भी ओरिजिनल थे। इसके अंदर नेहरू जी एक सिगरेट पीते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उसको सुलगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्यक्रम का हिस्सा जिसमें वो सफेद रंग के लिबास के अंदर पहुंचे थे और जिस तरीके से चाचा नेहरू अक्सर गुलाब जेब में रखते थे उस तरीके से गुलाब भी आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में सिगरेट पीना गलत है? क्या इससे किसी की छवि खराब होती है? सत्यमेव जयते के अंदर हम कहते हैं कि इससे यकीनन किसी की छवि खराब नहीं होती और कम से कम उसके निजी जिंदगी के अंदर जो चल रहा है उसको लेकर कमेंट हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका उनकी व्यक्तिगत जिंदगी का राजनीति और देश के साथ बहुत लेना देना नहीं है। इन तस्वीरों और तस्वीरों की हकीकत के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन फोटो की सच्चाई और रिश्तों की गरिमा को समझे बिना ही लोगों ने गंदी और भद्दी प्रतिक्रियाएं दी। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि बड़े बड़े नेताओं ने भी ये गलतियां की हैं। अब आपको हम दो ट्वीट दिखा रहे हैं जो बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालविया के हैं। पहला वो ट्वीट जिसमें उन्होंने नेहरू जी के उन्हीं फोटो के साथ गंदा और भद्दा कमेंट किया और लिखा कि शायद हार्दिक ने भी नेहरू जी के डीएनए से ही ये सब कुछ सीखा होगा। वहीं अगले ही दिन माफी भी मांगी गई और अपनी गलती को भी उन्होंने स्वीकार किया और लिखा कि इन फोटो के साथ जो लिखा गया वो गलत है। ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने इन्हीं फोटो के लिए भद्दे और गंदे कमेंट किए हैं। तो दो हमने आपको फोटो यहां पर दिखाए हैं। दरअसल ये दो ट्वीट हैं जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े नेता भी किस तरीके की गलतियां करते हैं और उन गलतियों के बाद किस तरीके से माफी मांगते नजर आते हैं। और यही मकसद कि हमने आज हर फोटो को आपके सामने रखा और उस फोटो की सत्यता क्या है यह भी हमने आपके सामने रखी है। तो ये वो फोटो जिनके दम पर पंडित नेहरू की छवि को खराब करने की कोशिश यहां पर की गई है।
ये हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन जरा सोचिए किसी फोटो में पंडित जी के साथ उनकी बहन है और किसी में भांजी। बावजूद इसके फोटो पर भद्दे कमेंट करने वाले एक बार भी नहीं सोचते। सत्यमेव जयते में आज बस इतना ही, लेकिन कल हम आपको क्या दिखाने वाले ये भी जरा देख लीजिए। कल हम आपको दिखाने वाले लव जिहाद में आतंकी रेट लिस्ट, जिसमें किस धर्म की महिला से शादी करने का क्या रेट है और इस रेट का क्या कुछ आधार है और किस अखबार में इसको छापा गया है, ये कल हम आपको पूरी स्टोरी यहां पर दिखाते नजर आएंगे। तो कल देखना ना भूलिएगा 9:26 पर सत्यमेव जयते। नमस्कार।